किसी के कपड़े ले गए चक्के या किसी के फाड़ते हैं? पता था पहले ले जाते थे सर, अब नहीं सर। अच्छा। जब से हम लगे हैं, जब से कोई जानवर आता नहीं है। नुकसान कदों पहुंचाता बंदर का सर? जैसे आप डराओगे उसको, अटैक करोगे, जरा से भी बोलोगे हट, तो उसने या तो काटना है आपको या फिर आपकी कोई चीज टूटना फोड़ना है, और काटना तो आपको लाजमी है। ये आम किसी को मिल जाते कर जाते तो फिर कैसे डील करना चाहिए बंदे को कि अगर थोड़ा नुकसान ना करे? सामान ले रखा है उसको दे दो खाने वास्ते, बस चलना ही पूगा। ज्यादा दिन नहीं होते ने बस उसी करके बस, अगर सामान ले रखा है उसको दे दो, जोर जबरदस्ती करा तो फिर आपके बुड़का पड़ेगा, फिर मरोगे मरोगे। उनसे बस ऐसा लगता है कि बस अब ये सामने आ गए, इनको निकलना है, और हमने आवाज दी तो इनको निकलना। उनका जो तरीका होता है अलग, एक गुर्राने का एक काटने का, तो उनको हम पहले आइडिया देते हैं कि हम लोग तुमसे ज्यादा खतरनाक है, चाहे तो पिंजड़े में बंद कर सकते, नहीं तो दूर हो जाओ इस जगह से, तो वो एरिया छोड़ देते हैं। हमारी आवाज समझ जाते हैं तो उस एरिया को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर। हम हत्या नहीं चार करते किसी भी, किसी बंदर को मारना पीटना बोरे भरना या पिंजड़े में लपेटना नहीं, खाली एक आवाज के थ्रू उनको समझाना पड़ता है हमें, उनके तरीके देख देख के कि इस जगह पे हमारा वास हो गया इंसानों का, तो आपको इस जगह छोड़नी पड़ेगी। मानते हैं सर ये जंगल उन्हीं का है, लेकिन हमें भी तो जगह चाहिए, हम भी तो इंसान हैं, तो हम उनको उन्हीं के तरीके समझाना चाहते हैं आवाज के थ्रू। इससे उनको ये फर्क पड़ता है कि भाई इनको ये जगह चाहिए। सत श्री अकाल, पंजाब यूनिवर्सिटी खड़े हाँ, तो अज जिन्हां नाल तुहानूं मिलावांगे वह लोग वह ने कि आम तौर पर तो असं देखते हैं चंडीगढ़ के अलग अलग खेतरां दे विच बांदरां दा प्रकोप बहुत देखने को मिलता, लोग खैर डर भी जाते हैं, तो ज्यादातर उरे जरूरत यह सी कि आखिर जिवें बांदर इत्थे आउंदे ने तां समान लोगों का चक के लै के जां तोड़ के उरे तीन जने जे कहीए कि मंकी मैन दे नाल नाम दे नाल इन्हां नूं हुण लोग जाणदे ने जिवें जिहड़ियां आवाजां कढ रहे ने, तां उह आवाजां दा मतलब इह आ कि आखिरकार बंदर नूं क्योंकि ना तो उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता ना फड़ा जा सकता, तो आखिरकार उन्हें किवें दूर रखा जाए? उन्होंने दिलदार ने जो गल करिए इन्हां दा गल करांगे। उन्हां जी ये कदों तो मिली फिर जिम्मेवारी जिहड़ी तुसीं आवाजां जिवें कढ रहे हो? महीने तो मिली सर, महीने तो जी सर। ते फिर की उरे देखिए आम तौर ते बांदरां दा प्रकोप देखदे आ, किसी दे कपड़े लै गए चक्के जां किसी दे फाड़ते खैर पता तां पहले ले जाते थे सर, अब नहीं सर। जब से हम लगे हैं, जब से कोई जानवर आता नहीं है, आते भी सवेरे सवेरे आते हैं, हम 6 बजे खुद ही आ जाते हैं। अच्छा, उनसे पहले आ जाते हैं, उनको आने नहीं देते, उनको आवाज दे के भगा देते हैं सर। आमतौर से देखते हैं कि जो बंदे जिथे जिथे भी जाते हैं तो समान भी टुट गया क्योंकि उन्होंने भी नहीं खैर पता होंगे, एक चीज ये है भी थोड़ा फिर ये कदों तो करते हो यानी कि कला कदों तो जानते हो? जी हमारे बाप दादे से काम करते हैं ये। अच्छा, और हम लोग अपने माँ बाप के साथ पहले जैसे बंदर बंदर का खेल तमाशा करते थे, तो उनके साथ लोग जैसे जमूरे लेते रहते हैं अपने माँ बाप के साथ, ऐसे जमूरे की तरह हम भी घूमते थे। तो फिर ये जड़ी जानकारी कदों तो आई कला की? उदो फिर उदो तो तुसी खेड दिखांदे सीगे, उदो फिर तुहानूं पता लग गया भी आखिर बंदर रहिंदा किवें है, डरदा कितों है, किहदे नाल रहिंदा है? ये ऐसा जी हम लोग बंदर का खेल तमाशा करते थे, तो हम लोग बंदर पकड़ने पकड़ना कई बार कहता पिताजी कि जा भी बंदर बांध दिया उधर, तो हम लोग का दिल जो है ऐसा बचपनों से खुला हुआ है। ये हमारा नहीं, पूरी पीढ़ी से पीढ़ी हमारा काम की है, बंदरों के बीच में हम लोग बड़े हुए हैं और बुढ़े भी होने वाले हुए हैं अब, तो ये चक्कर हम लोग ना सर बंदर किसी से सीखते नहीं, हम लोग पैदाइशी शिकारी हैं। ये आमतौर पे देखिए लोग डरते बहुत ने क्योंकि बंदर भी ऐसी देखते हैं कई बार वो पता नहीं किधर नु अटैक करते, बंदा डर जाता है। पता कर लो किसी से, पता कर लो सर जी, हर एक बंदे से पता कर लो, हर एक बंदा कहेगा आप तारीफ है कि हाँ जब से आप लगे हो काम ओके है, एकदम ओके रिपोर्ट है, और कोई जानवर नहीं है। ये वैसे जे ऊन जानिए तो बंदर जिवें आम तौर पर भी लोग जाते हैं जा कहिए कि होर थावां ते भी कितने मिल जाते हैं, तो लोग डर जाते हैं कि खैर कितने मारन ना करना, ये नुकसान कदों पहुंचाता बंदर का सर? जैसे आप डराओगे उसको, अटैक करोगे, जरा से भी बोलोगे हट, तो उसने या तो काटना है आपको या फिर आपकी कोई चीज टूटना फोड़ना है, और काटना तो आपको लाजमी है। अगर आपने और ज्यादा उसे परेशान करा तो वो आपको काटेगा काटेगा बस। ये जिहड़ा तुसीं फिर आवाजा कढ़दे हो यानी कि इन्हां तों डरदे ने, डर कह सकदे आपां, ये है किहदी किहदी आवाजां जिहड़ियां तुसीं कढ़दे हो? लंगूर दी आवाज है, और किसी की भी आवाज है सर, अपनी भी आवाज है कुछ, डर जांदे यानी कि तुहाडा तां इक तरह दा जे कहीए कि ओह भी परिवार ही ने कि आखिरकार जे तुसीं उहनां दे नाल भी रहिंदे सी ते उहनां नूं हुण भजाउणा भी है, बस कुछ ऐसा भी है रब की मर्जी, वो जान जाते कि ये भी बंदर ही है भाई।
फिर हमारा काम ऐसा सर है ना कि तो हम लोग जानते हैं कि भी कौन से जानवर की कब टाइम में आवाज निकालनी, कौन से जानवर में कब टाइम की आवाज। अगर कोई हमारी देखी देखा ना सोचे कि भी हम भी ये मैं वही सोचने लग गया जी कि वीडियो देख के कह दे मैं ही भेजा दूंगा। कई बार इन लोगों ने कर लिया, टाइप कर लिया पूरा, इन लोगों ने यूनिवर्सिटी वालों ने आवाज का भी कर लिया है, बंदूक का भी कर लिया है, पटाखे का भी कर लिया है, ठीक है, सारा कुछ करके हार मान के फिर हमें बुलाया है। फिर तो बुलाया गया अभी भैया तो भाई देनी है। पहले पहले शुरू यहाँ 12-13 बंदे रखे गए थे, 13 की 14 बंदे रखे गए थे, तो वो सोचा जब 13-14 बंदों ने कुछ नहीं कर पाया तो इनको ये क्या कर लेंगे 3 बंदे। फिर हमने विश्वास दिलाया कि सर अगर नहीं करेंगे तो हमारी 1-2 महीने की सैलरी मत देना, हमें तो पता है हमारा तो 2 घंटे का सारा ही काम है। हाँ। 2 घंटे मुड़के नहीं होंगे, में हमने सारे ही बंदर सफा कर दिए, दोबारा आने का तो नहीं है। अब आते क्यों नहीं, क्योंकि हम यहाँ आवाज मारते रहते बहू जी, वैसे बंदर रहे भी न रहे, फिर भी हमारे हमारी ड्यूटी है कि सारे अफसरों के घर में जाके आवाज मारना, कहीं बंदर बैठे ही हो किसी की खिड़की में ठंड की वजह से, तो आवाज मारना तो हमारी ड्यूटी है, बंदर हो या ना हो। सारे अपने जितने भी क्वार्टर हैं यहाँ मकान है, सारे अफसरों के पास आवाज मार के फिर अपना जाके बैठते हैं। पर बड़ी कमाल की गल है जो देखिए आम तौर पर जिम्मे अगला डरता है जिम्मे पता नहीं लगता ये जानवर की जो देखा जाए इस तरह की, क्योंकि बंदर आम तौर पर बहुत थावान से ने, दिल्ली भी कह लो पहाड़ी खेत्र जिन्ना भी है उत्थे भी जो ला लिया जाए। आम जे कहा जाए कि हम थोड़ा तो सारा कुछ पता इन्होंने बारे, जे आम किसी मिल जाते कर जाते तो फिर कैसे डील करना चाहिए बंदर कि अगर थोड़ा नुकसान ना करे। समान ले रखा है उसको दे दो खाने वास्ते, बस छड़ना ही पूगा, ज्यादा टाइम ताइयों आंदे ने बस उसी करके बस सर, अगर समान ले रखा है उसको दे दो, जरूर जबरदस्ती करा तो फिर आपके बुड़का पड़ेगा फिर मरूंगे यानी कि थोड़े को देख के चीज देख के आना है। नहीं नहीं सर देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो बंदर की जो है ना ड्यूटी, जैसे कहते हैं ना कि शेर के ऊपर सवा शेर, हमारा काम वैसे ही है, बंदर के ऊपर ही बंदर की तरह हमारे को करना पड़ता है। अगर आम आदमी सोचेगा कि मैं कोई ऐसा तजुर्बा कर लूं या कोई ऐसा कर लूं मैं बंदर के साथ, ये भी बंदर वालों की आवाज निकाल लूं जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा करेगा तो फिर बंदर उसको पूरा भी पाड़ भी सकते हैं सर। इसमें गारंटी नहीं देता हूँ, हाँ कहीं हमारे ये सूचना सुन के कोई बंदर के साथ हरकत करने, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे कार में बैठा के अकेले को लेके चलो और मैं मुंह बंद करके रखूंगा कपड़े के साथ, और जब तक मुंह नहीं खोलूंगा बंदर तुम्हारे सामने आ जाएगा, जैसे मैंने कपड़ा उठाया सारे ही भागना है। लिहाज इन्हें वो भी जान गए ने शक्लां नूं, वो जान जाते कि आगे शिकारी। अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी दिन आओ, और जहाँ बंदर जब अपने 1 नंबर गेट से निकलते है ना सारे, तुम मुझे मुंह मत खोलने देना, तुम बंदर के पास कोई चीज डालने लग जाना जैसे चना वगैरह वगैरह, और तू कहते ना रफीक जरा मुंह हटा ले अपना कपड़ा हटा ले, और जब मैं कपड़े उतार के कार से निकलूंगा वो देख लेना, जाए 2000 भी खा रहे होंगे ना चना, फिर वो चना नहीं खाएंगे वो 1-2-3 हो जाना। वैसे तुम कहने भी पुश्तानी तौर पर परिवार कर देने के दिल्ली वगैरह जेडे होर ने गे भी अगे तुहाडे लोग ने जां होर ने वैसे? नहीं नहीं वो सारे ही बंदे हमारे सर, बाहर का बंदा नहीं। अगर कोई बाहर का बंदा जैसे काम कर भी लेता कैसे भाई 5-6 मुंडे रख लिए तो उसकी हमारी कोई गारंटी भी नहीं है, वो कोई भी ऐसी कोई वारदात भी कर सकता है, जैसे चोरी भी कर सकता है या कोई कोई भी ऐसी मतलब कैंपस के अंदर या किसी मकान के अंदर कोई वो कर जाए, और हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हमारे यहाँ दिल्ली चले जाओ, यहाँ चले जाओ अपना क्या बोलते हैं राष्ट्रपति भवन में लगे हुए अपना, ये चंडीगढ़ का क्या जंगलात में शरारती है, क्यों ये देखा जाए बंदर इतना शरारती ज्यादा क्यों, शरारती कहिए क्या जाए कहिए कि गुस्से लगा, कि कुदरत की पहली कारागिरी यही है बंदर। कई बार हम तुम नहीं कहते थे यार क्यों बंदर बंगे काम कर रहा है, तो क्योंकि जब बंदे ही कई बार बंदर वाला काम करते तो फिर ये तो बंदर ये जो चीजा करते हो खैर चलो तुसते जिम्मे कह रहे हो भी छोटे हुंदे दे नाल परिवार नूं देखदे आए तुसीं डरना तां की सीगा, वैसे कदे लग्या नहीं हैगा भी कदे बंदर ने अटैक करता होवे तुहाडे नूं नहीं समझिया होवे? सर ऐसा हम लोग जब शुरू से काम जब करते चले आ रहे हैं तो खुशबू विशीब तो मिक्स हो जाती है इंसान से और जानवरों से, तो ऐसा भी होता हमारे में कि एक दूसरे की खुशबू भी रहती है शरीर के अंदर, ये नहीं सोचो कि नहीं रहती, जैसे हमारा दिल खुला है कि भाई बंदरों से हम खुला मिल सकते हैं, तो हमारे अंदर एक दूसरे की खुशबू सी मिक्स है और डर दहशत नहीं है उनसे, बस ऐसा लगता है कि बस अब ये सामने आ गए इनको निकलना है, और हमने आवाज दी है तो इनको निकलना है। उनका जो तरीका होता है अलग, एक गुर्राने का एक काटने का, तो उनको हम पहले आइडिया देते हैं कि हम लोग तुमसे ज्यादा खतरनाक है, चाहे तो पिंजड़े में बंद कर सकते नहीं तो दूर हो जाओ इस जगह से, तो वो एरिया छोड़ देते हैं, हमारी आवाज समझ जाते हैं तो उस एरिया को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर के। हम हत्या नहीं चार करते किसी भी किसी बंदर को मारना पीटना बोरे भरना या पिंजड़े में लपेटना, नहीं नहीं खाली एक आवाज के थ्रू उनको समझाना पड़ता है हमें उनके तरीके देख देख के कि इस जगह पे हमारा वास हो गया इंसानों का तो आपको इस जगह छोड़नी पड़ेगी।
मानते हैं सर ये जंगल उन्हीं का है, लेकिन हमें भी तो जगह चाहिए, हम भी तो इंसान हैं, तो हम उनको उन्हीं के तरीके समझाना चाहते हैं आवाज के थ्रू। इससे उनको ये फर्क पड़ता है कि भाई इनको ये जगह चाहिए चाहिए, तो इस करके जैसे हम लोग एरिया में जिस जगह घूमते हैं उस जगह वो बंदे बंदर छोड़ देते हैं, तो वो भी समझ जाते हैं, ये नहीं मानेंगे, हम अपनी ही फैमिली लेके चल देते हैं, बस यही है चक्कर सर, और कोई फैमिली की कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल, ये भी देखो एक जो कहा जाए इन्हों की जिस तरह के हौसला खुले हुआ या ये लगे हुए ने, तो ये भी एक कला है, खैर कला के जरिए जो देखा जाए जिस तरह के नाल इन्हों लोगों ने जिम्मेदारी सांभी है, क्योंकि इतने जिड्डा प्रकोप से प्रकोप मैं तारी बारी बारी शब्द तां वरत रहा क्योंकि वो चीज बहुत घातक जो जो होंगी रही तो लोगों वास्ते परेशानी बनती रही, खास करके उरों के स्टाफ के लिए जो लोग उरे रहिंदे ने, खैर उन्होंने नुकसान भी नहीं पहुंचाया जा सकता, जंगल सारा वड्या नहीं जा सकता, पर दूजे पास यह है भी आखिरकार एक सही रस्ते दे नाल उन्हां नूं समझा के दूर किया जाए, तो उन्होंने नाल ये तीन लोग ने जिहड़े आखिरकार हुण बंदरां तों नजात दवा रहे ने। वीडियो जर्नलिस्ट अमन दे नाल समीत सिंह, रोजाना स्पोक्समैन टीवी, चंडीगढ़।